हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्सप्रो पंकज सेठ स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एक्सप्रो पंकज सेठ जस्ट द बेस्ट। आज हम बात करते हैं बुध और राहु के युति की तीसरे भाव। यदि आपकी कुंडली में बुध और राहु कंजक्ट हो तीसरे भाव में तो क्या फल देगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं, तीसरा भाव हमारे साहस और शक्ति से संबंधित होता है। यदि बुध और राहु तीसरे भाव में युक्त होगा तब जातक के पास अद्भुत साहस होगा। वह किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज से भय नहीं खाएगा और उसको किसी भी चीज से फियर नहीं होगा। जातक के पास अच्छी मानसिक संगति होगी, साथ ही जातक का आदत होगा या प्रवृत्ति होगी कि वो अपने पावर या शक्ति को शो ऑफ करे, यानी उसका दिखावा करे। यदि राहु और बुध किसी भी तरह से तीसरे भाव में पीड़ित हो तब जातक फॉल्स ईगो का शिकार होगा। उसमें जो है फॉल्स प्राउडनेस होगी। जातक किसी भी प्रकार के इम्पॉसिबल कार्य को करने का मादा रखेगा, खासकर अगर आपने उसे चैलेंज कर दिया इस इम्पॉसिबल कार्य के लिए तो बिना विचार किए उस कार्य पे लग जाएगा। इसका यह मतलब नहीं हो कि जातक इम्पॉसिबल कार्य को कर नहीं सकेगा। जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है और ट्रिक्स में एक्सपर्ट होता है, या हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं कि जुगाड़ू व्यक्ति होता है। तो जातक जो किसी प्रकार का जुगाड़ करके उस इम्पॉसिबल वर्क को करने का क्षमता रखेगा या करने का मादा रखेगा। जैसे कि हमने बोला राहु और बुध तीसरे भाव में हो तब जातक स्मार्ट होगा और चतुर होगा। चतुर के साथ साथ वो कुटिल प्रवृत्ति का भी व्यक्ति होगा। जातक स्मार्ट तरीके से कार्य करने में विश्वास रखेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जातक जो है बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहेगा। वह अपनी बुद्धिमता और जैसा मैंने बताया जुगाड़ का यूज करके किसी कार्य को करना चाहेगा। जातक अंदरूनी रूप से क्रूर नेचर का या कुटिल प्रवृत्ति का होगा, मतलब साफ सुथरा हृदय वाला व्यक्ति नहीं होगा। राहु और बुध की युति यदि तीसरे भाव में हो तो जातक को अपने भाई से डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो शिवलिंग का होता है। अतः जातक और उसके भाई के मध्य वैचारिक मतभेद की संभावना रहती है। खासकर जातक और जातक के भाइयों के मध्य पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद रह सकता है। कुछ कुंडली में ऐसा देखा गया है कि जातक को अपने छोटे भाई से छल की प्राप्ति होती है। यदि बुध और राहु तीसरे भाव में युक्त होता है तब जातक कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होता है, मतलब बोली चाली में वो निपुण होगा। जातक डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करना पसंद करेगा या अपने नफा और नुकसान को देखते हुए बातचीत करना पसंद करेगा। जातक का प्रेजेंटेशन होगा या बोलने की जो कला होगी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। जातक दूसरों को अपनी बातों में फंसाने में भी एक्सपर्ट होगा, यानी जातक जो है अपनी बातों के द्वारा दूसरों को
दूसरों के साथ फ्रॉड भी कर सकता है, क्योंकि राहु और बुध की युति जब भी होती है तब जातक जो है रेस्टलेस माइंड का प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और उसके माइंड में बेवजह के विचारों का समुन्दर उमड़ता रहता है, जिसके कारण जातक का जो कंसंट्रेशन का लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। उसकी कंसंट्रेशन के लेवल में कमी के कारण ऐसा देखा गया है कि बचपन में उसकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है और अर्ली एजुकेशन में उसको दिक्कत होता है, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे जातक की स्टडी अच्छी होती है और वो सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा होगा वैसे उसे उसको प्रैक्टिकल स्टडीज की ओर रुझान उसका बढ़ेगा, खासकर वैसे स्टडी जिससे पैसा कमाया जा सकता है उसकी ओर वो स्वाभाविक या नेचुरल झुकाव रखने वाला व्यक्ति होगा। बुध हमारा सोचने वाला माइंड है या जिसको हम लोग बोलते मति है, अगर मति पे राहु का प्रभाव हो तो हम जानते हैं कि जातक मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड या भौतिकवाद संसार में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होगा, वह लालची प्रवृत्ति का हो सकता है और साथ ही साथ वो नैसर्गिक रूप से सट्टेबाज होगा या गैम्बलिंग एटीट्यूड उसका रहेगा। जातक जो है पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत देने वाला व्यक्ति होगा, वह लोक लाज से उतना ज्यादा विश्वास नहीं करेगा जितना ज्यादा वो पैसे पर विश्वास करेगा, यानी पैसे को वो प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति होगा। अगर राहु और बुध तीसरे भाव में युति होता है तब जातक में एक नेचुरल टैलेंट होता है एक्टिंग का, जो हमारी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जातक को एक्टिंग का कीड़ा काटता है, तो वो नैसर्गिक गुण उसके में होता है। जातक की संवाद अदायगी की क्षमता यानी डायलॉग को प्रेजेंटेशन करने की क्षमता अद्भुत होती है। जातक झूठ बोलने में एक्सपर्ट होता है और एक्सपर्ट इस हद तक होता है कि उसके झूठ को आसानी से दूसरे व्यक्ति पकड़ नहीं सकते। इस क्षमता का लाभ उठाते हुए जातक एक अच्छा सेल्समैन भी बन सकता है। चौथा भाव जो होता है वो हमारी स्टडी का होता है और तीसरा भाव जो होता है चौथे भाव से 12वां है, इसके कारण यदि राहु जो कि विदेश का कारण है और बुध जो कि पढ़ाई का कारण है या स्टडी का कारण है वो तीसरे भाव में युति होते हैं या उनका कंजक्शन होता है तो जातक की फॉरेन स्टडीज की योग बनता है, जातक जो विदेश में जाके पढ़ाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए और भी फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही ये जातक को अपनी दशा अंतरदशा और पत्यंतर दशा में भी विदेश यात्रा के भी संयोग बना सकता है। तीसरा भाव हमारा काम भाव भी होता है, अतः मरकरी और राहु तीसरे भाव में युक्त हो तब जातक जो है बहुत ज्यादा कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है। जातक फ्लर्टी नेचर का होगा और वह फ्रीक्वेंटली जो है डबल मीनिंग वर्ड्स का अपनी बोली चाली में यूज करेगा या बातचीत के दौरान डबल मीनिंग वर्ड्स यूज करता है। जातक अपनी एक्टिविटी से जो है विपरीत लिंग के को यानी अपोजिट जेंडर को जो आकर्षित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीसरा भाव हमारा गला होता है या गले का कारण होता है, अतः राहु और बुध की युति अगर तीसरे भाव में हो तो जातक को कंठ से रिलेटेड यानी थॉरक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या समस्याएं हो सकती है। साथ ही साथ राहु और बुध की युति नैसर्गिक रूप से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज का कारण होता है तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी दे सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है परेशान कर सकती है और जातक जो है मानसिक तनाव, क्योंकि राहु और बुध की युति वैसे भी मानसिक तनाव देता है तो मेंटल स्ट्रेस का कारण बनता है। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस प्रकार की वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें
और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई सजेशन हो या सुझाव हो तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।